तो जो बीजेपी के अगेंस्ट बोले वो भी एंटी नेशनल? एंटी नेशनल। अच्छा, बीजेपी के अगेंस्ट बोलने वाला भी देशद्रोही? देशद्रोही। और आप बताइए, इधर बीजेपी का माहौल है क्या? बात कर रहे हैं, किस वजह से? अभी पता चले। हिंदुत्व है ना? हाँ। वही है, समझ गया। इधर ये कोस्टल रीजन में हिंदुत्व चलता ज्यादा क्या? हिंदुत्व, हिंदुत्व क्यों, वजह क्या है? हिंदुत्व नेशनल, नेशनलिटी। क्या बोले, मैं समझा नहीं। हिंदुत्व इज इंडियन नेशनलिटी, अद दूसरे सब एंटी नेशनल्स हैं। बीजेपी एक ही है नेशनल पार्टी। ये क्या बात करता है यार? बाकी सब एंटी नेशनल, एंटी नेशनल। इसे कैसे? तो जो बीजेपी के अगेंस्ट बोले वो भी एंटी नेशनल? एंटी नेशनल। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देशद्रोही, देशद्रोही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी के अगेंस्ट बोलने वाला भी देशद्रोही? देशद्रोही। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यो, वो तो पार्टी है। पार्टी है, बीजेपी हिंदुत्व अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, हिंदुत्व है, नेशनलिटी है। तो ये देश तो सेकुलर है? सेकुलर बोले तो हिंदुत्व का अगेन, सेकुलर इधर का सेकुलर ऐसा है, हिंदुत्व का अपोज करो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, सेकुलर मीन्स की अपोज हिंदू, एंटी हिंदू, एंटी हिंदू। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर की बात करता है। जुम करो। सेकुलर की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मगर लोगों ने ऐसा सेकुलर बोले तो हिंदुत्व को बुरा कहो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वही है, इधर चलता है। लेकिन हिंदुत्व तो कहीं एंटी मुस्लिम तो नहीं? गुड क्वेश्चन। एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी मुस्लिम नहीं है। ठीक है, एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम, एंटी कुछ भी, एंटी नहीं। ठीक है। ये जो केरला स्टोरी मूवी आई, आपको पता है? पता है, वो इसी इलेक्शन को दिमाग में रख के बनवाई गई है, बनाई गई क्या? पता नहीं, वो नहीं मालूम। नहीं मालूम। उस फिल्म का कोई इम्पैक्ट यहाँ के इलेक्शन पे? अभी पता चलेगा। नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। क्यों, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और ऐसा वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले नया वीडियो में।